हाईकोर्ट के आदेश के बाद सरकार ध्वनि उपकरणों पर अंकुश लगाने की कवायद कर रही है, जिसको लेकर आज फिरोजाबाद में बैंड बाजा एसोसिएशन ने शुकाबाद विधायक डॉक्टर मुकेश शर्मा को ज्ञापन दिया और मांग की है कि सरकार इसमें कुछ ना कुछ सहूलियत प्रदान करे। फिरोजाबाद बैंड बाजा एसोसिएशन ने आज शिकोहाबाद विधायक डॉक्टर मुकेश वर्मा को एक ज्ञापन दिया है। ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने मांग की है कि सरकार ध्वनि उपकरणों के रोक को और परमिशन को लेकर कुछ ना कुछ नियम लागू करें। साथ ही उन्होंने यह भी मांग की है कि जो नियम बनाए गए हैं वो काफ़ी कठिन हैं, ऐसी स्थिति में उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उनका कहना है कि सरकार इसमें कुछ ना कुछ संशोधित करते हुए बैंड बाजा संचालकों को सहूलियत देने का कार्य करें। ब्यूरो रिपोर्ट, साक्षी न्यूज, फिरोजाबाद। समस्या को लेकर विधायक से समस्या के लेकर हम इसलिए मिले थे कि सोमवार को हम डीएम महोदय से मिले, डीएम साहब के पास पहुँचे तो मैं सिटी में साहब मौजूद थे। डीएम साहब ने सिटी मजिस्ट्रेट साहब से कहा कि इनके अंदर का मामला ये देखेंगे। आप पहुँचे सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने कहा कि हमारे पास तहसील आ जाए। जब हमारी सिटी मजिस्ट्रेट साहब से तहसील पहुँचे बात हुई तो उन्होंने हमको जियो थमा दिया, बोले से जियो को ले जाए, पढ़ लें और आ जाए, हम क्या कर सकते हैं इसमें। फिर हमने कहा साहब इसमें तो जियो में तो ऐसा नहीं है, 10 बजे तक का प्रोसीजर है साहब, हमें 10 बजे तक की अनुमति दे दिया। अगर बगैर सांड के दिया तो बगैर सांड के दे दिया, खाली आदमी 10-10, 5-5 आदमी जिसके यहाँ भेजें, इसका थोड़ा सा कुछ हो ही जाए वहाँ उसके कार्यक्रम के। तो आप बोले इसमें हमारे हाथ में स्तर का था नहीं है इसमें कुछ, और जो पार्टियाँ ही लेने आएंगी परमिशन, जब पार्टियाँ परमिशन लेने आएंगी तो पार्टियाँ परमिशन लेने अभी क्यों जाएंगी? आगे के लिए कोई कानून बन जाएगा किसी चीज़ को एकदम करना, तो वो तो इस वक्त तो वो कैंसिल ही कर देंगे सारी शादियाँ। हम लोग बुकिंग 2-2, 4-4 महीने पहले कर चुके होते हैं, और हमको ऐसा मालूम होता तो हम बुकिंग नहीं करते। अगर हमको थोड़ा सा आश्वासन इतना मिल जाए कि हम 6 बजे से लेकर शाम को रात को 10 बजे तक बैंड बजा दें, तो देखिए 1.5-1.5 घंटे दोनों लोगों को यहाँ बजाया जाए, जो हमने 10-12 की बुकिंग कर रखी है उसको मना कर दिया जाए, तो हम 10 बजे के अंदर ही अंदर बजाएंगे। इतना हमको सहूलियत मिल जाए तो ये एक हमारी थोड़ी सी रोजी रोटी चल जाए, जो हमने किसी से कुछ कह रखा है, किसी तरीके के वादे कर रखे हैं, दुकान के किराए किराए वही निकल जाए। आगे के लिए या बंद करें या मना करें, फिर तो जो कानून लागू है वो तो होगा ही। ये हम कोर्ट से बाहर भी नहीं है, कोर्ट के आदेश है, अधिकारी भी इसमें ऐसा नहीं है कि अपनी तरफ से कुछ आदेश दे दें, वो भी किसी ना किसी तरीके से बचाव करके ही आदेश देंगे। तो हम चाहते हैं कि नगर मजिस्ट्रेट डीएम साहब हमारे क्षेत्र के, हमारे ज़िले के, हमारे शहर के क्या कहते हैं जिम्मेदार हैं, और उनके हाथ में सारी चीज़ है, तो हो सकता है वो अपनी तरफ से ऐसे ऐसे जियो के हिसाब से कि हमको 10 बजे तक की अनुमति दे दें, चाहे वो सांड से दें या बगैर सांड से दे दें, तो ये कुछ बना तो बच जाएंगे, कुछ नहीं बजेंगे। आगे के लिए जो ग्राहक आएगा उससे हम उसी तरीके से कहेंगे साहब आप परमिशन ले आएँ, 6 से 8 का ले आएँ और 8 से 9 का ले आएँ, इस तरीके से उसको आगे के लिए सबसे कर दें। ये माहौल पैदा हो गया है जिसे इन्हें खुद साफ करना चाहिए, जैसे 10 बजे तक की अनुमति है उसमें जियो में कि 10 बजे तक आप बजा सकते हैं, कितने डेसिबल पे या कितनी आवाज़ में बजाना है ये ना साफ़ करना चाहिए। दूसरी बात ये है उसमें कि इतने लोग बेरोज़गार हो जाएंगे एक तरीके से, साउंड की अगर 10 बजे तक की अनुमति है तो वो बोलें जिस प्रकार है उस तरीके से बताएं। ये एक अफरा तफरी का जो माहौल है कुछ अखबारों के जरिए ज़्यादा हमें नुकसान दे रहा है, कोई भी बाज़ार में ग्राहक नहीं है और जो ग्राहक हैं वो भी बुकिंग कैंसिल करा रहे हैं। ठीक है, अब जब वो कैंसिल ही हो जाता है तो हमारे सामने रोजी रोजगार का बहुत बिकट संकट है। जितने भी अशिक्षित लोग हैं, जितने भी मजदूर तबके के लोग हैं, सबको इससे रोज़गार मिलता है, और जब उनका रोज़गार ही ख़त्म हो रहा है तो बहुत बड़ा एक वो है। बाजे वालों से ही मतलब नहीं है, मतलब जो और लेबर टाइप लगती है, लेबर लगते हैं, अंडे उठाते हैं, बहुत से लोग इसमें शामिल हैं, सिर्फ बाजी वाले नहीं हैं। तो विधायक जी ने क्या आश्वासन दिया? विधायक जी ने यह आश्वासन दिया है कि हम आपकी तरफ से उनसे बात करेंगे और आपको परमिशन दिलवाएंगे। बैंड का साउंड का मसला चल रहा है, बैंड का क्या मामला है पूरा? ये मामला है कि भाई हम कहाँ से, हमारी बारात लिखे बैठे 2-2 महीने पहले हम, और उन ग्राहकों के आज फोन आ रहे हैं, आज भी आए, फिर परमिशन हम क्यों लें? भाई हम परमिशन लेंगे वो क्यों लेंगे परमिशन? उनका तो पैसा बच रहा है, वो फादी बाबा अपनी जगह पे, उसका तो पैसा बच रहा है, परमिशन क्यों लेगा वो? क्यों चार जगह भागेगा उसको? तो मतलब मैं हमें देखेगा कि अपने आप को देखेगा वो चीज़? मान चलो हर परमिशन लेने जाता है, 100 में एक लेगा, और बैंड वाले 300 से कुछ है, उसमें प्रोसीजर बहुत सारे हो जाएंगे, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, परेशानी है, तो वो क्यों नहीं लेगा परमिशन? उसको कोई प्रोसीजर लेना ही नहीं है, उसको परमिशन क्यों नहीं लेनी है? उसको जो आराम है, उसका पैसा बच रहा है और समय बच रहा है, हर चीज़ बच रही है, तो परमिशन वो नहीं लेगा? रोजी तो हमारी जा रही है, हमारे नीचे 30-30 आदमी लगे हुए हैं, लेबर भी है, कारीगर भी हैं, हम कारीगरों को कुछ दे भी बैठे हैं, ले भी बैठे हैं, हमारा वो कहाँ से निकलेगा? अभी हम इस चीज़ को तुम बंद कर रहे हो, कारीगर जी कहेगा भाई हम नहीं दे रहे,
हम तो कर्ज पे ही करे बैठे इस काम को, तो हम कहाँ से पटाएंगे उसको। तो विधायक जी ने आज क्या कहा? विधायक जी ने कहा कि 2-3 दिन में हम तुम ले लेंगे कुछ। अभी जो शादियों में बैंड बाजे लोग बजाते हैं, वो सारे लोग फिरोजाबाद के अभी एकत्रित होकर आए थे, और उनका कहना ये था कि हम लोगों ने जिन घरों में शादी है, जिन परिवारों में शादी है, उनसे एडवांस ले लिया है। जिनके घर शादी है उनके घर बाजे बजाने के लिए उन्होंने एडवांस ले लिया। उनका कहना ये था कि हमें परमिशन स्वयं लेनी है, या जिन परिवारों में शादी है उनको परमिशन लेकर आना है। इसी संबंध में एक प्रतिनिधि मंडल जिलाधिकारी महोदय से भी कल या परसों मिला है, वही सारे लोग एकत्रित होकर यहाँ पर आए। उन्होंने अपने पक्ष को रखा है, अपनी बात को रखा है कि हमें परमिशन दी जाए, जिससे कि हम जो भी कानून व्यवस्था के तहत जितनी भी कम से कम आवाज़ में हम उन परिवारों में धूमधाम से शादी करा सकें जिन परिवारों का हमने एडवांस ले लिया है। हमने उनसे कहा है कि हम अभी जिलाधिकारी महोदय से या सिटी जो मजिस्ट्रेट हैं यहाँ पे फिरोजाबाद के, उनसे अभी हम चर्चा करेंगे, और हमने आश्वस्त किया है कि निश्चित रूप से ये समस्या हल हो जाएगी कि कम ध्वनि में लोगों की शादी भी हो जाए और ध्वनि प्रदूषण भी ना हो और हमारे कानून का भी पूरी तरह से पालन हो।